हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा मल्होत्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ग्रीन फूडी में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही चटपटी सी डिश, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट नूडल भेल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत ही फटाफट बनता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम लेंगे एक पैकेट इंस्टेंट नूडल, एक प्याज लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक टमाटर लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक कैप्सिकम लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, एक चौथाई कप प्याज कली, एक और आधा टीस्पून टोमेटो केचप, एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक पैन में इंस्टेंट नूडल ले लेंगे और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे हमें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें हल्का भूरा रंग ना आ जाए। ध्यान रहे, हमने इसमें तेल बिल्कुल यूज नहीं किया है, इसे हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है, अगर हमने फ्लेम हाई किया तो ये जल सकता है। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसे करने में हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। देखिए, हमारे नूडल्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम ठंडा कर देंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें हम डालेंगे लंबे लंबे स्लाइस किए हुए प्याज, लंबे लंबे स्लाइस किए हुए टमाटर, प्याज कली, लंबे स्लाइस किए हुए कैप्सिकम, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और टमाटो केचप। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है। तो हमारे इंस्टेंट नूडल भेल बनके एकदम रेडी है। तो आइए चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पर कॉकटेल ग्लासेस का यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी अपनी मनपसंद डिश में इसे सर्व कर सकते हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी। चलिए आप भी अभी इसे ट्राई करिए और हमें बताइएगा लिख के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।